तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो लोग क्विक पे SNB का जो क्विक पे एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप लोग इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें एक नया अपडेट आ चुका है। और यह नया जो अपडेट है वो काफ़ी बेहतरीन है और पूरा जो एप्लीकेशन है ये चेंज हो चुका है। तो क्या क्या इसमें अपडेट आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करता ही हूँ। तो फिर से जो क्विक पे है, जो SNB का क्विक पे एप्लीकेशन है जिससे इंटरनेशनल पैसा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इसमें अपडेट आया है बहुत दिनों के बाद। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का जो है कि इंटरफेस लग रहा है, देखने में ही काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और देखते हैं अंदर भी जो है कि कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं। अब ऊपर आप लोग देख सकते हैं क्विक पे पहले लोगो इसका दूसरे जैसा होता था, अभी जो है कि इसका लोगो पूरा बदल चुका है। और होम पेज पे भी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर आप लोगों को क्लियर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले पासवर्ड डालते हैं और इसमें देखते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या अपडेट आया हुआ है। पासवर्ड डालने के बाद इसमें लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि क्या नए अपडेट हैं। आप लोग देख सकते हैं अब इसमें जो है कि इस तरीके का इंटरफेस देख, ये पहले भी था लेकिन अभी जो है कुछ इसमें चेंजिंग हुआ है लोगों में। तो यहाँ पे मैं आ चुका है, OTP देख लेता हूँ। अब जैसे ही OTP आप लोग डालेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या चेंजिंग दिखाई दे रहा है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो अंदर का चेंजिंग है वह सेम ऐसे ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ पे जो ट्रांसफ़र द वर्ल्ड सेकंड इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और बेनिफिशरी में भी कोई अपडेट नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने बेनिफिशरी पर क्लिक किया है लेकिन यहाँ पर कोई नया फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें वही हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ थ्री डॉट पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और डेली लिमिट कितना है इसमें आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज़ देखने को मिलेगा। माई इन्फॉर्मेशन, ID, एक्सपायरी अपडेट, नेशनल एड्रेस, अफसर एक्टिवेशन, यूजर नेम, पासवर्ड सेटिंग, बायोमेट्रिक सेटिंग, यहाँ पे इस तरीके का सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि इसके फ्रंट पे देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिख रहा है, सारा चीज़ वही देखने को मिल रहा है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को बस वही इंटरफेस देखने को मिलेगा, ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और काफ़ी जो है कि ज़्यादा इसमें फीचर्स नहीं हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सदात पेमेंट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज इसमें ऑप्शन पहले ही था, पेमेंट हिस्ट्री का इसमें जो है कि ऑप्शन है, ये भी पुराना ही है, इसमें नया कोई ऑप्शन नहीं आया है। और ATM विदड्रा, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बिना ATM कार्ड के ही आप लोग जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं ATM इमरजेंसी कैश विदड्रा, यानी बिना ATM कार्ड के ही आप लोग 1000 रियाल निकाल सकते हैं। पहले 100 रियाल था लेकिन ये इसमें अच्छा चीज़ है कि अब 1000 रियाल तक आप लोग निकाल सकते हैं बिना ATM कार्ड के। ये इसमें बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ है, किस तरीके से निकाला जाता है मैंने वीडियो बनाया है बहुत पहले। लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड मैनेजमेंट, अकाउंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यानी सब चीज़ें वही है। आइडेंटिटी कंप्लेंस यहाँ पे ये नया हमको फीचर्स लग रहा है, ये पहले नहीं था, तो ये इसमें अच्छा है। IBAN लेटर, यहाँ से आप लोग IBAN लेटर निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता है IBAN लेटर का, तो यहाँ पर अच्छा चीज़ है कि IBAN लेटर भी अब यहाँ से कर सकता है। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कुछ और ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, बस यही इसमें चेंजिंग और बदलाव हुआ है कि इसका बस लोगो बदल चुका है और देखने में इसका जो फीचर्स है काफ़ी अच्छा लग रहा है,
ऐड मनी पे क्लिक करके देख लेते हैं तो ऐड मनी का आप लोग वही देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसमें नया फीचर्स आने वाला है कि अगर आप लोग चाहें तो कार्ड के जरिए भी इसमें पैसा ऐड कर पाएंगे, लेकिन ये अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में यह आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कमिंग सून, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कमिंग सून लिखा है, कुछ दिन में ये भी फीचर्स इसमें आ जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि कार्ड के जरिए कोई भी पैसा इसमें ऐड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।